आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन, ये पेपर वन में आपके सबसे लास्ट में यूनिट फोर का पार्ट है और इससे काफी क्वेश्चन उठ जाते हैं लाइकेन से ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो चलिए हम देखते हैं कि लाइकेन्स क्या होते हैं और इनका जनरल कैरेक्टर्स क्या है। जी आइए, लाइकेन क्या होता है। लाइकेन जो वर्ड है ये लाइकेन ग्रीक वर्ड है ना, और लाइकेन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म ऑन द बार्क ऑफ द ओलिव ट्रीज। पहले जैतून के जो पेड़ होते थे उनके बार्क पर यानी उनकी छाल पर फंगस लाइक आउटग्रोथ होता था और इस आउटग्रोथ को लाइकेन कहा जाता था। जो टर्म लाइकेन है सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने यूज किया था। थियोफ्रेस्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी जो है ना, ये सिकंदर के टाइम के थे और ये अरस्तु के स्टूडेंट थे। कौन? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने ये जो लाइकेन किया था। लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। लाइकेन जो है इसमें दो ऑर्गेनिज्म मिले होते हैं। एक तो होता है या तो कोई एल्गा होगा या साइनोबैक्टीरिया है ना, या दूसरा दूसरा इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है एक फंगस। यानी दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के लाइकेन का थैलस बनाते हैं, एल्गा और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और दूसरा जो कंपोनेंट होता है लाइकेन में वो होता है फंगस। या तो एल्गा या तो साइनोबैक्टीरिया, दोनों में से कोई एक। और ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के, और दोनों ऑर्गेनिज्म मिलकर के कंबाइन होकर के लाइकेन थैलस बनाते हैं। ठीक, तो लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट है, जो एल्गी वाला पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं फोटोबायोट। क्या कहते हैं? फोटोबायोट। ठीक, फोटोसिंथेसिस करता है एल्गी, ऑटोट्रॉफिक होता है। तो लाइकेन में जो अल्गल कंपोनेंट है उसको हम लोग फोटोबायोट कहते हैं, और जो फंगल पार्टनर होता है इसको हम लोग कहते हैं माइकोबायोट। ठीक, तो दो ऑर्गेनिज्म हो गए लाइकेन में, फोटोबायोट एंड माइकोबायोट। फोटोबायोट एल्गी हो गया, माइकोबायोट जो है फंगस हो गया। अब ये होता क्या है कि फंगस और लाइकेन एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटीमेटली रिलेशनशिप बनाते हैं कि उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो गायब हो जाती है। यानी कि जो लाइकेन का थैलस है ना, तो वो फंजाई की तरह दिखता है ना ही जो है वो एल्गी की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि दोनों थैलस एक दूसरे के साथ इस तरह से आपस में घुल मिल जाते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खो जाते हैं और लाइकेन एज ए सिंगल ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं। इवन कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है और जो फिजियोलॉजी है वो दोनों बाकी जो एल्गल एंड फंगल मेंबर्स हैं उनसे हट करके डिफरेंट हो जाती है। इसलिए लाइकेन को क्या कहते हैं हम लोग? लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, मिला जुला ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब समझ में आई यहाँ पर लाइकेन क्या हुआ? यस सर। नेक्स्ट आते हैं लाइकेन। लाइकेन का अगर हम थैलस को देखें तो लाइकेन का जो थैलस है उसमें 90% माइकोबायोट है। माइकोबायोट मतलब 90% इसका जो थैलस है वो क्या है? फंजाई है, और एल्गी जो है केवल 10%। ठीक, बात समझ में आ गई? 90% फंजाई और 10% इसके थैलस का एल्गी होता है। फंजाई जो होता है इट प्रोवाइड शेप स्ट्रक्चर एंड कलर टू द थैलस, थैलस ऑफ द लाइकेन। लाइकेन का जो शेप है, जो उसके थैलस का स्ट्रक्चर है, उसके थैलस का जो कलर है, ये बेसिकली फंगस के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो भी आप बाहर लाइकेन में आप देखते हैं वो बेसिकली वो फंगस ही होता है, और जो एल्गी होती है उस थैलस के अंदर होती है। ठीक है ना, तो एल्गी की मात्रा बहुत कम और फंजाई की बहुत ज्यादा, 90:1 या 9:1 का रेशियो होता है। 9 पार्ट जो है फंगस और 1 पार्ट केवल एल्गी होता है। चूंकि इसमें इसके थैलस का जो मेजर कंपोनेंट है
वो फंजाई है, इसलिए लाइकेन को क्लासिफिकेशन में हम लोग फंजाई के साथ क्लासिफाई करते हैं। बात समझ में आ गई? लाइकेन का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग फंजाई के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं और इसको हम लोग किंगडम फंजाई में ही रखते हैं, ठीक है। और द लाइके द फंजाई विच इज प्रेजेंट इन लाइकेन दे आर नोन एज लाइकेनाइज्ड फंजाई, ठीक है। वो फंजाई जो लाइकेन के थैलस में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग लाइकेनाइज्ड फंजाई बोलते हैं। अबाउट 20,000 डिफरेंट लाइकेन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लाइकेन की दुनिया में लगभग 20,000 स्पीसीज है। अब इस 20,000 स्पीसीज में 98.9% जो लाइकेन है वो एस्कोमाइकोटीना को बिलोंग करते हैं, क्लास एस्कोमाइसिड्स को बिलोंग करते हैं, 0.1% बेसिडियोमाइसिड्स को बिलोंग करते हैं और केवल 1% लाइकेन जो है वो ड्यूट्रोमाइसिड्स को बिलोंग करते हैं क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब आते हैं कि सबसे पहले किसने पता लगाया कि लाइकेन में दो अलग अलग पार्टनर होते हैं। सबसे पहले एक स्विस बॉटनिस्ट है, स्विट्जरलैंड का बॉटनिस्ट है सिमोन, इन्होंने सबसे पहले 1867 में बताया कि जो लाइकेन का थैलस होता है इसमें फंगस और एल्गा दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बीच में अगर देखा जाए कि जो फंगस और एल्गा इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके का है तो कई अलग अलग थ्योरी जाती है। तीन थ्योरी आई हैं, एक तो हेलोटिज्म थ्योरी, दूसरा म्यूचुअलिज्म थ्योरी और तीसरा सिम्बायोसिस थ्योरी। हेलोटिज्म थ्योरी ये कहती है कि लाइकेन के थैलस में फंजाई मास्टर होता है और एल्गी स्लेव होती है, ठीक है ना। इस तरह के रिलेशनशिप में जहां पर कि एक ऑर्गेनिज्म मास्टर की तरह बिहेव करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म स्लेव की तरह बिहेव करता है, यानी गुलाम की तरह बिहेव करता है, ऐसे रिलेशनशिप को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन के केस में जो फंजाई है वो मास्टर की तरह बिहेव करता है और एल्गा स्लेव की तरह बिहेव करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो दोनों का रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंजाई का वो म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म मतलब बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, दोनों ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट होता है और दोनों ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हैं, जो एसोसिएशन बनाते हैं, उस एसोसिएशन से दोनों को फायदा होता है। एल्गा क्या करता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ये अपना भोजन खुद बना लेता है, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और ये भोजन बना करके फंजाई को भी अपना भी पोषण करता है और फंजाई को भी सप्लाई कर देता है। फंजाई इन टर्म क्या करता है, फंजाई जो है एल्गल थैलस को प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई भी करता है। आप सभी को पता है कि फंजाई के जो माइसीलियम होते हैं वो फैले होते हैं जमीन के अंदर, वहां से वो वाटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो जो एब्जॉर्ब करते हैं वो एल्गी को दे देते हैं, उसे पानी और न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने पाए, क्योंकि एल्गी क्या पानी में तो नहीं प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, वो फंजाई के थैलस के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से दोनों को बेनिफिट होता है, फंजाई को बना बनाया खाना मिल जाता है और एल्गी को खाना बनाने के लिए कच्चा माल ढूंढने की जरूरत नहीं है, पानी और न्यूट्रिएंट की व्यवस्था फंजाई कर देता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोसिस टाइप का है, जिस सिम्बायोसिस का मतलब कि ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो हमेशा एक साथ ही रहते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस टाइप का रिलेशनशिप होता है, हालांकि म्यूचुअलिज्म भी ज्यादा करेक्ट है। अब आते हैं हैबिटेट ऑफ द लाइकेन, कि लाइकेन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। लाइकेन दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करते हैं और उनका जो ग्रोथ होता है एक साल में इनकी ग्रोथ एक mm से मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर से ज्यादा ये ग्रो करते भी नहीं। एक साल के अंदर इनमें जो ग्रोथ होती है मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर तक की ग्रोथ हो सकती है। ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं, स्नो में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल इन सभी जगहों पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, इवन के टाइडल फॉरेस्ट, इन सभी जगहों पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहां पर भी ये सब लगभग ऑलमोस्ट ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन में लाइकेन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों को डायग्राम दिखाया है, अब इमेज नंबर 2 पर देखिए, यहाँ पर जो है लाइकेन ये जो है ट्री के बार्क पे ग्रो कर रहा है ना, पेड़ की
छाल के ऊपर ये ग्रो कर रहा है। आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा कि चीड़ के पेड़ के ऊपर इस तरीके के पैचेस ग्रो करते हैं ढेर सारे। तो ऐसे लाइकेन जो ट्री ट्रंक पर उनके बार्क पर ग्रो करते हैं, उनकी छाल पर ग्रो करते हैं, उनको हम लोग कॉर्टिकोलस लाइकेन कहते हैं। फिर नंबर तीन पर आप देखेंगे कि जो लाइकेन है ये ट्विग यानी जो टहनी है टहनी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइकेन जो टहनी पर ग्रो करते हैं, ट्विग्स पर ग्रो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रैमिकोलस लाइकेन। तीसरा आप देखें डेड वुड पर जो लकड़ियां सड़ने लगती हैं उसके ऊपर भी लाइकेन ग्रो करते हैं। नंबर चार ये देखिए ऐसे लाइकेन को जो है लिग्निकोलस लाइकेन बोलते हैं। फिर ऐसे लाइकेन जो पत्थरों पर ग्रो कर रहे हैं, एक देखिए एक ये लाल वाला लाइकेन और एक ये ब्राउन कलर का लाइकेन, ये दो अलग अलग स्पीसीज यहाँ पर ग्रो कर रही है। तो जो स्टोन्स रॉक्स और बोल्डर्स पर जो लाइकेन ग्रो करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेक्सिकोलस लाइकेन। तीसरा नेक्स्ट कैटेगरी जो है लाइकेन, ये देखिए मॉसेस हैं, मॉसेस के बीच में ये लाइकेन ग्रो कर रहा है, ये देख रहे हैं ये पूरा जो लाइकेन है ये मॉसेस के बीच पर ग्रो कर रहा है। तो ऐसे लाइकेन जो मॉसेस के साथ ग्रो करते हैं इनको बोलते हैं मसाइकोलस लाइकेन, ठीक। फिर कुछ लाइकेन सॉइल पे ग्रो करते हैं, ये देखिए पूरा एक लाइकेन है। ऐसे लाइकेन जो सॉइल पे ग्रो करते हैं उनको टेरिकोलस लाइकेन बोलते हैं। और कुछ लाइकेन पत्तियों के ऊपर ग्रो करते हैं, देख रहा है ये छोटे छोटे जो पैचेज आपको दिखाई दे रहे हैं लैंसडाउन में खूब ग्रो करते हैं, फोलिकोलस लाइकेन। ऐसे लाइकेन जो लीफ के ऊपर ग्रो करते हैं इनको हम लोग जो है फोलिकोलस लाइकेन कहते हैं। तो ये जो है इनके हैबिटेट के आधार पर जो है इनका जो नामकरण है वो अलग अलग है, डिपेंड करता है कि किस हैबिटेट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। फिर आते हैं ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ लाइकेन, लाइकेन के कितने तरीके के ग्रोथ फॉर्म पाए जाते हैं। तो जनरली लाइकेन के तीन ग्रोथ फॉर्म है, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन जैसा कि नाम बता रहा है लाइकेन जो है क्रस्ट यानी पपड़ी की तरह ग्रो करते हैं। ऐसे लाइकेन जनरली पपड़ी की तरह स्टोन्स के ऊपर या पेड़ के जो बार्क हैं या उनके स्टेम के ऊपर या उनकी लीफ के ऊपर क्लोजली अटैच होकर के ग्रो करते हैं। और सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें कोई फ्री मार्जिन नहीं होता है, विदाउट लीविंग एनी फ्री मार्जिन, मतलब आप उसके मार्जिन से आप उसको उठा नहीं सकते, ठीक है ना। दे यूजुअली लैक लोअर कॉर्टेक्स एंड राइजीन, इसमें जो राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइकेन का उसको राइजीन बोलते हैं। और इसमें जो है लोअर कॉर्टेक्स, क्रस्टोज लाइकेन में लोअर कॉर्टेक्स नहीं पाया जाता है। इसके एनाटॉमी जब हम देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि अपर कॉर्टेक्स, मेडुला, फिर लोअर कॉर्टेक्स, तीन मेन रीजन होते हैं लाइकेन में। तो क्रस्टोज लाइकेन में लोअर कॉर्टेक्स और राइजीन एब्सेंट होता है। और जनरली जो है ये लाइकेन चट्टानों के ऊपर, लीफ के ऊपर ग्रो करते हुए पाए जाते हैं। सेकंड कैटेगरी जो है ये है फोलियोज लाइकेन, ठीक है ना। फोलियोज लाइकेन फिगर नंबर 10 आप देखेंगे, फोलियोज लाइकेन दे आर ऑल्सो नोन एज लीफी लाइकेन। फोलियोज मतलब लीफ लाइक, कैसे कहलाते हैं ये लीफी लाइकेन होते हैं। द थैलस इन दिस केस इज लूजली अटैच्ड एट लीस्ट एट द मार्जिन, यानी कि इनका जो थैलस होता है मार्जिन पर लूजली अटैच, मार्जिन से ढीला होता है और सेंटर से ये एकदम सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। और ऐसे लाइकेन को आप स्क्रैप करके यानी छील करके ब्लेड से या चाकू से निकाल सकते हैं ऐसे लाइकेन को, इसको फोलियोज लाइकेन। फिर थर्ड जो है फ्रूटिकोज लाइकेन। तो जो फ्रूटिकोज लाइकेन होता है यहाँ पर जो लाइकेन केवल एक पॉइंट से अटैच है, ये देखेंगे ये लाइकेन एक जगह केवल अटैच है अपने सबस्ट्रेटम से, यहाँ पर ये देखिए लोअर पार्ट से ही केवल जो है ये लाइकेन अटैच है, बाकी उसका जो थैलस है वो फ्री है, वो उससे किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है। हियर द लाइकेन थैलस इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम एट वन पॉइंट एंड रिमेनिंग मेजर पोर्शन इज आइदर ग्रोइंग इरेक्ट, यहाँ पर देखिए ग्रोइंग इरेक्ट, ये वाला पार्ट इरेक्ट ग्रोइंग है, और दिस वाला ये दिस द बी नंबर दिस इज द हैंगिंग लाइकेन। दीज लाइकेन यूजुअली अपीयर लाइक स्मॉल श्रब और बुश, देखने में एक छोटी सी झाड़ी की तरह ये लाइकेन दिखाई देते हैं, ठीक। तो इस तरह के लाइकेन को हम लोग बोलते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। तो ये जो क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज, इसमें अंतर क्या है, अंतर जो है अटैचमेंट लेवल का है,
क्रस्टोज लाइकेन में पूरा का पूरा थैलस अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, फोलियोज लाइकेन में जनरली जो मार्जिन होता है वो फ्री होता है, बाकी सारा पार्ट अटैच होता है, और फ्रूटिकोज लाइकेन में लाइकेन केवल एक पॉइंट से अटैच होता है, बाकी पूरा का पूरा इसका जो थैलस होता है वो फ्री होता है। तो ये तीन अलग अलग तरीके के ग्रोथ फॉर्म्स पाए जाते हैं लाइकेन में। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ द लाइकेन। लाइकेन का अगर वर्टिकल सेक्शन काटे तो हमें दो तरीके की लाइकेन एनाटॉमी दिखाई देती है, एक तो होम्यूमेरस लाइकेन और दूसरा है हेट्रोमेरस लाइकेन। होम्यूमेरस एंड हेट्रोमेरस लाइकेन। तो जो होम्यूमेरस थैलस होता है जनरली ये फ्रूटिकोज लाइकेन में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो थैलस होता है इसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, एक जैसा थैलस होता है ऊपर से नीचे तक। इसमें जो है लूजली अरेंज्ड फंगल हाइफी होती है और उस फंगल हाइफी के अंदर जो है एल्गल सेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पर देखिए जो एल्गल सेल्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है, एग्जाम्पल लेप्टोजियम कॉलेमा। लेकिन जो हेट्रोमेरस लाइकेन थैलस है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेट्रोमेरस लाइकेन थैलस को, ये देखिए, तो लाइकेन का अलग अलग जोन है। यहाँ पर ये अपर कॉर्टेक्स हो गया, फिर इसके बाद एल्गल जोन है, फिर इसके बाद मेड्यूला है, इसके बाद लोअर कॉर्टेक्स है, लोअर कॉर्टेक्स के बाद ये राइजीन है। क्लियर कट आपको जोनेशन दिखाई देता है, जबकि होम्योमेरस लाइकेन में आपको इस तरह का जोनेशन अलग अलग नहीं दिखाई देता है, ठीक। अगर हम हेट्रोमेरस लाइकेन को देखें, यहाँ पर ये देखिए वर्टिकल सेक्शन, ये देखिए अपर कॉर्टेक्स रीजन है। तो अपर कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है कि अपर पार्ट ऑफ द थैलस होता है, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड इट कंसिस्ट ऑफ फंगल हाइफी। तो अपर कॉर्टेक्स में फंगल हाइफी होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर का होता है, एंड द फंगल हाइफी दे आर कॉम्पैक्टली इंटरवूवन। जो हाइफी होते हैं बहुत घने तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और ये जो माइसीलियम है आपस में जुड़ करके एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा। यानी जो अपर कॉर्टेक्स रीजन होता है लाइकेन का वो किसका बना होता है, प्लेक्टेनकाइमा का बना होता है। प्लेक्टेनकाइमा क्या है, प्लेक्टेनकाइमा जब कॉम्पैक्टली अरेंज फंगल हाइफी इस तरीके से मिल जाते हैं कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो जाता है और पूरा एक कॉम्पैक्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा। तो जो लाइकेन का हेट्रोमेरस लाइकेन का जो अपर कॉर्टेक्स है वो प्लेक्टेनकाइमा का बना होता है। फिर इसके नीचे देखिए आप ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज द एल्गल जोन, ये एल्गी का जोन है, इसके नीचे अपर कॉर्टेक्स के नीचे, ठीक है ना। तो ये जो एल्गी होती है या तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होंगे या साइनोफाइसी के मेंबर्स होंगे, ठीक। केवल यही दो एल्गी पाई जाती है, रेड एल्गी ब्राउन एल्गी, बाकी ग्रुप कोई नहीं पाया जाता है। केवल या तो क्लोरोफाइसी के मेंबर मिलेंगे या तो साइनोफाइसी के मेंबर है। और यही जोन लाइकेन का फोटोसिंथेटिक जोन होता है जिसमें कि ये एल्गी अपना भोजन बनाती है, बाकी पूरा जोन फंजाई का बना होता है। फिर इसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है, दिस वन इज द मेडुला। यहाँ पर ये देखिए मेडुला, ये मेडुला, मेडुला में आप देखेंगे कि जो फंजाई के हाइफी है दे आर लूजली इंटरवूवन, आपस में जो है ये कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, लूजली इंटरवूवन है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी खूब है। यहाँ पर देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेस भी खूब है, एंड दे आर द फंगल हाइफी दे आर लूजली अरेंज। इसके नीचे आता है लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स क्या होता है कि यहाँ पर फंगल हाइफी फिर डेंसली अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और नीचे जो है राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। दिस इज नॉट द अपर कॉर्टेक्स, दिस इज द लोअर कॉर्टेक्स। और इसके नीचे लोअर कॉर्टेक्स के नीचे आपको राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि इसके लोअर सरफेस से निकलते हैं और सबस्ट्रेटम के अंदर जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है लाइकेन उसके अंदर पेनिट्रेट करके जो है ये एंकरेज और एब्जॉर्बिंग ऑर्गन का काम करते हैं। एंकरेज मतलब फंसाने पकड़ के रखने का काम, और एब्जॉर्बिंग मतलब अवशोषण करने का काम ये राइजीन करते हैं। यानी लाइकेन के राइजोइड्स को हम लोग राइजीन कहते हैं, और ये लोअर कॉर्टेक्स रीजन से निकलते हैं। लोअर कॉर्टेक्स रीजन भी कॉम्पैक्टली अरेंज फंगल हाइफी का बना होता है, ठीक।
तो ये इसका जो है एनाटॉमी हुआ। दो अलग अलग कैटेगरी के लाइकेन हुए, एक तो होम्योमेरस लाइकेन और दूसरा हेट्रोमेरस लाइकेन, जिसमें कि हेट्रोमेरस लाइकेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। फिर अगर हम एनाटॉमी देखें तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, हमने आपको बताया था कि 98% जो लाइकेन होते हैं एस्कोलाइकेन होते हैं। तो जो एस्कोमाइसीट्स का जो फ्रूटिंग बॉडी होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प। ठीक, तो जैसा एस्कोकार्प होता है फंजाई का, एस्कोलाइकेन जो एस्कोमाइकोटिना के जो मेंबर्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के बाद जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प। तो अधिकतर लाइकेन चूंकि एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स होते हैं इसलिए उनमें रिप्रोडक्शन के बाद जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एस्कोकार्प टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। जनरली ये क्रस्टोज लाइकेन में पाए जाते हैं। ठीक, अब इसमें हम ये देखते हैं, एलएस काटेंगे ऊपर से तो आप देखेंगे कि इसका जो एपोथीसिया है ना, एस्कोकार्प या एपोथीसिया, इसमें जो आउटर नॉन स्टराइल रीजन है इसको बोलते हैं एक्सिपल, नॉन फर्टाइल जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिपल। फिर इसमें जो फर्टाइल रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं हाइमीनियम। हाइमीनियम क्या होता है, इसका फर्टाइल रीजन जिसमें कि एसआई और एस्को स्पोर्स पाए जाते हैं। फिर हाइमीनियम लेयर के नीचे जो होता है सब हाइमीनियम लेयर होता है, ये जो होता है यूजली वुवन इंटरमिंगल्ड फंगल हाइफी के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर सब हाइमीनियम लेयर के नीचे जो होता है हाइपोथीसियम होता है, और ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज रीजन है थिक फ्लेसी रीजन इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिपल रीजन। और इस तरीके से जो है ये फंजाई का लाइकेन का जो एस्कोकार्प होता है वो बना होता है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो आप ये देखेंगे जब इसका एलएस काटेंगे हाइमीनियम रीजन में तो ये देखिए इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द एस्कस, और इस एस्कस के अंदर ये अंदर गोल गोल ये एस्कोकार्प भरे हुए हैं। ये एस्कोकार्प बेसिकली क्या है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं और ये डिसेमिनेट होकर के एक नया थैलस बनाते हैं। लेकिन लाइकेन के थैलस को बनने के लिए एल्गी और फंजाई दोनों पार्टनर का होना जरूरी होता है। ठीक, तो आज के लिए जो है हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक, इसमें किसी को कहीं कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये क्या, ये जूम मीटिंग में ना थोड़ा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बीच में। अच्छा, हेलो, हाँ बताओ मुझे आवाज आ रही है। अगर मैंने कहा सर अगर पीडीएफ होगा तो आप ग्रुप में सेंड कर देना। अच्छा ठीक है, ओम प्रकाश तुम्हें बाकी हम उससे देख लेंगे। यस सर, यस सर, क्लियर दिख रहा था। जी सर, जी सर, ठीक जी सर। Thank you.